सहारनपुर भाग्यवेदी ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की खुशी में बांटी मिठाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की खुशी में आज भाग्यवेदी के कार्यालय पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया, जिस पर भाग्यवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी एवं जिला अध्यक्ष तोहिद अली ने कहा कि भाग्यवेदी परिवार की ओर से मोदी सरकार के कृषि कानून वापस की घोषणा होने पर इस उपहार का स्वागत करते हैं और हमारा संघर्ष हमारी बाकी मांगों को लेकर जारी रहेगा। मोदी सरकार का अगर यह कानून नहीं लाते तो हमारे किसान भाइयों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और सैकड़ों किसानों को शहीद न होना पड़ता। मोदी सरकार को अगर देना ही है तो इस उपहार के साथ साथ सभी देशवासियों किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 700 शहीद हुए किसानों के घर घर जाकर माफ़ी मांगें और जल्द ही हमारी बाकी मांगों को पूरा करने की घोषणा करें, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो सके तथा कीटनाशक व कृषि उपकरण और ट्रैक्टर एवं खाद पर GST एवं टैक्स हटाया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ भाग्यवेदी संघर्ष जारी रहेगा। मंडल ब्यूरो सहारनपुर। आज आपको मालूम ही है कि मोदी सरकार ने जो हमारी मांगे थी उसमें से मुख्य मांग कृषि काले कानून वापिस हो उसकी रद्द करने की घोषणा की है, तो मैं मोदी सरकार ने ये सराहनीय काम किया है, पर हमारी जो मांगे और भी हैं हम उस पर संघर्ष जारी रखेंगे। और मैं मोदी सरकार को कहना चाहूंगा, अगर ये काम आप जल्द करते तो हमारे सैकड़ों किसान शहीद न होते। मोदी सरकार ने को आगे आना चाहिए और सभी देशवासियों से व किसानों से माफी मांगनी चाहिए और शहीद हुए किसानों के घर जा जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। जय जवान जय किसान। इस राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी का नमस्कार राव। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व के इस उपलक्ष्य पर जो कृषि कानून लेने की घोषणा की है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक ये संसद के अंदर रद्द नहीं हो जाते जब तक आंदोलन जारी रहेगा और MSP पर और हमारे के जो गन्ना बकाया है भुगतान और जो बिजली के बिल बढ़े हुए हैं जो महंगाई चरम सीमा पर है उसके लिए भी जल्द से जल्द घोषणा करें तो हमें और ज्यादा इसकी खुशियां होंगी। लेकिन ये खुशियां अधूरी इसलिए लग रही हैं क्योंकि हमारे बहुत हजारों किसानों भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए शहीद स्मारक बनने चाहिए। और जो आज क्षमा मांगकर प्रधानमंत्री ने इस बात का खेद जताया है कि हमें कृषि कानून जो हमने लाए थे उसे हम समझा नहीं पाए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वो दोबारा से कृषि वैज्ञानिकों को लेकर, हमारे किसानों को लेकर और अपने मंत्रियों को लेकर मंत्रिमंडल के अंदर विचार करके बहुत अच्छे कानून बनाए जिससे कि किसान की आय दोगुनी हो और ये देश खुशहाली की तरह फले और फूले। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान एकता। किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज तीनों कृषि काले कानून वापस हुए हैं और इस फैसले में हम जो है प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और ये किसानों के मान सम्मान की लड़ाई थी, जान माल की लड़ाई थी और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने देश के किसानों को। इनकी मेहनत मुशक्कत के साथ ये आंदोलन चल रहा था, जिन्होंने शहादतें दी और उनकी शहादतों का नतीजा है कि आज भारत सरकार को ये तीनों कृषि काले कानून वापस लेने पड़े हैं और आज किसान की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय जवान जय।